आप लोग देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त हर तरफ, हर शहर में, हर देहात में मोर्चे निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं कि ये मोर्चे क्यों निकाले जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि ये CAA और जो NRC के चक्कर में गवर्नमेंट पड़ी हुई है, ये सिर्फ हमारे संविधान के ऊपर एक हमला है और हम हमारे ऊपर हमला बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हमारे संविधान के ऊपर हम हमला बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये संविधान के द्वारा आज की जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, ये चाहती है कि लोगों के हुकूक को छीन लिया जाए, उनके राइट्स को छीन लिया जाए। तो हमारे राइट्स को बचाने के लिए आज पूरा हिंदुस्तान, उसमें दलित है, उसमें हिंदू है, उसमें मुसलमान है, उसमें सिख है, उसमें पारसी है, जिन लोगों को इन्होंने नागरिकता देने का वादा किया है, वो भी लोग आज जो है तो मुसलमानों के शाना बशाना खड़े हुए हैं और वो हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने संविधान की खातिर अपने आप को रोड पर उसने झोंक दिया है। हम देखते हैं कि हमारी न सिर्फ मर्द हजरात, हमारे सिर्फ पुरुष ही रोड पर नहीं उतरे हैं बल्कि औरतें भी रोड पर उतर कर अपने संविधान को बचाने की फिक्र में लगी हुई है। सिल्लोड़ में 20 तारीख को उसी का सिलसिला आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम एक मोर्चा निकालने जा रहे हैं। इसमें हमारी सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी जाति बिरादरी के लोग सिल्लोड़ में रहते हैं, हम उनसे विनंती करते हैं कि वो इस मोर्चे में शामिल होकर अपने संविधान को बचाने के लिए अपनी इस वतन से मोहब्बत का सबूत पेश करें। यही हम आपसे विनंती करते हैं और हम साथ ही साथ हमारे नौजवानों से इस मौके पर एक गुजारिश करेंगे कि ये मोर्चा हमारा पुरअमन मोर्चा होना चाहिए। इसमें किसी भी किस्म का कोई नुकसान किसी को ना पहुंचे, इस बात का हमको ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। फिरोज खान बिस्मिल्ला खान, सिल्लोड। मी सर्व भारतीय नागरिकांना बोलू इच्छितो की सिल्लोड शहरामध्ये 20 जानेवारी 2020 रोजी संविधान बचाव संघर्ष समिति मार्फत NRC, CAA व NPR च्या विरोधात एक भव्य मोर्चा निघत आहेत, ज्यामध्ये सर्व भारतीय नागरिक व सर्व सामाजिक व राजकीय संघटना सामील होत आहेत। यामध्ये सर्व समाजाचे या मोर्चाला समर्थन आहेत। तरी मी सर्व सिल्लोड सोयगाव तालुक्यातील भारतीय नागरिकांना एक विनंती करतो की त्यांनी या मोर्चाला भरपूर प्रतिसाद देऊन आपली उपस्थिती नोंदवावी। विशेष हा मोर्चा आम्ही का बरं काढतोय, या पाठीमागचं मेन जो उद्देश आहे तो संविधान वर जो घाला घालण्यात आलेला आहे CAA मार्फत, एक काळा कायदा अंमलात आणलेला आहे ज्याच्यामध्ये संविधानाला याच्यावर घात करण्यात आला आहे। तर संविधान वाचवण्यासाठी येऊ आपण एकत्र, एक दुसऱ्याच्या कंध्याला कंधा लावून आम्ही आमच्या संविधानाची रक्षा करूया। मी एकच नारा देतो, चलो सिल्लोड, चलो सिल्लोड, चलो सिल्लोड। आदाब, सलाम, राम राम, जय भीम, जय भीम। मी ॲडव्होकेट शेख उस्मान, येत्या 20 जानेवारी 2020 रोजी सोमवार रोजी सिल्लोड शहरामध्ये, सिल्लोड शहरातील विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, विविध जाती धर्माचे लोक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या संयुक्त विद्यमाने सिल्लोड शहरामध्ये संविधान बचाव संघर्ष समिती या माध्यमातून CAA आणि NPR NRC यांच्या विरोधामध्ये भव्य निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। तरी मी सिल्लोड शहरातील सर्व नागरिकांना, सर्व जाती धर्माच्या जनतेला आवाहन करतो की येत्या सोमवारी 20 जानेवारी 2020 रोजी दुपारी 2 वाजेला राजे संभाजी चौक औरंगाबाद नाका ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक सिल्लोड या ठिकाणी निघणाऱ्या या निषेध मोर्चामध्ये सर्वांनी सहभाग नोंदवावा, ही मी सर्वांना कळकळीची विनंती करतो। ये शासन ने जो लाया है तो आप ये ना समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ कायदा है, ये जो है तो सभी के खिलाफ कायदा है। इसमें जो है तो मुस्लिम, SC, OBC सभी लोग आने वाले हैं, लेकिन जो है तो एक एक जो है तो हफ्ता आने वाले, लेकिन हमको जो है तो सबको मिलके, सबसे बड़ी बात ये कायदा मुसलमान और हिंदू की लड़ाई नहीं है। जिस तरीके से देश में माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू और मुसलमानों का, ये कायदा जो है तो संविधान को बचाने की लड़ाई है। जिस तरीके से कानून बनाया गया है, हमारा संविधान ये बताता है
कि धर्म के नाम पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर और ये कानून सीधा सीधा एक धर्म को बाजू रख के छह धर्मों का जिसमें नाम लिया गया है बनाया गया है, तो ये कानून जो है तो गैर संवैधानिक है, ये जो है तो आर्टिकल 40 का वायलेशन करता है। इसलिए हम इसका जो है तो विरोध करते हैं, और हम इसका हर हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, जो हिंदुस्तान को चाहता है वो विरोध करता है, और जो संविधान को बचाना चाहता है, क्यों? क्योंकि संविधान जब तक जिंदा है हमारे देश की खूबसूरती है, ये संविधान है। अगर संविधान जिंदा रहेगा तो हमारा देश ये एक बगीचे की तरह बना हुआ रहेगा, और अगर संविधान टूट जाएगा तो ये देश भी बिखर जाएगा। तो मेरी सभी हिंदुस्तानियों से अपील है कि हमारे देश को बचाने के लिए जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनसे जो है तो संविधान बचाइए और देश को बचाइए, बस मैं इतनी अपील करता हूँ। और आने वाली 20 तारीख के रोज इसी के सिलसिले में सिल्लोर शहर में 20 जनवरी 2020 को राजे संभाजी चौक से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चौक तक एक मोर्चा रखा गया है, जिसमें लाखों की तादाद में आकर सरकार को बता दीजिए कि हम भी जो है तो इसका विरोध करते हैं, और इंशाल्लाह सारा हिंदुस्तान इसका विरोध करता है। तमामी भारतीय लोगों से अपील की जाती है कि हमारे शहर सिल्लोड़ के अंदर 20 जनवरी 2020 आने वाले पीर के दिन 2 बजे से लेकर 5 बजे तक औरंगाबाद नाके से लेकर अम्बेडकर चौक तक जो एहतजाजी धरना रखा गया है, ये NRC NPR और CA कानून के खिलाफ ये मोर्चा रखा गया है। लिहाजा शहर सिल्लोड़ के तमामी जाति लोगों से और तमामी भाइयों से ये विनती की जाती है, अपील की जाती है कि आप इस एहतजाजी धरने के अंदर हम तमामी का साथ दें, हम तमामी के साथ में रहते हुए इस एहतजाजी धरने को पाए तकमील तक पहुंचाने की फिक्र करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पठान, वेलकम्स यू ऑल टू जॉइन द प्रोटेस्ट रैली हेल्ड ऑन 28th of January 2020 टू प्रोटेस्ट योर नीड्स। बी रिमेंबर, डू नॉट हर्ट एनीबॉडी, डू नॉट हार्म एनीबॉडी, रजिस्टर्ड योर protest in a peaceful manner. Wish you all the best. Thank you. Jai Hind. It's my appeal to all the viewers of Aurangabad Samachar. Please join the huge protest on 20th January 2020 at 2 o'clock from Sambhaji Raja Chowk, Aurangabad Naka to Dr. Baba Sahib Ambedkar Chowk, Sillur. This fight is against NRC, NPR and CAA. As we know, the current scenario of the country is truly bad and it's going worse day by day. So please join this protest on behalf of Indian, not Muslim, not Hindu, not Sikh, not Isai, not Buddhist, not Jain and not Parsi. Just join this protest as an Indian, because we want to save our constitution. We want to make and remain the identity of secularism for this country in the world. सैयद तौसीफ अली, औरंगाबाद समाचार, सिल्लोड़।